समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सहारनपुर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के ही पूर्व सांसद रहे हाजी फजलुर रहमान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हाजी जी, बसपा सुप्रीमो ने कह रही है कि अखिलेश यादव ने तो हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया था और इसी के पीछे वो गठबंधन टूटने की बात भी कह रही हैं। क्या लगता है, उस समय तो आप बसपा में थे और आपने चुनाव भी लड़ा था 2019 का? ये बात सही है कि जिस वक्त बहन जी ने गठबंधन तोड़ा उस मीटिंग में भी मैं मौजूद था, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि गठबंधन तोड़ने की वजह सिर्फ यही हो सकती है कि बहन जी ने फ़ोन किया और अखिलेश जी ने उनको उठाया नहीं। जबकि मेरी तजर्बा है कि कोई छोटा भी कार्य करता डायरेक्ट अगर अखिलेश जी को फ़ोन करता है तो उसको रेस्पॉन्स देते हैं। ये फ़ोन तो बहन जी की तरफ से था, तो उठाने की कोई वजह नहीं समझ में आ रही। और ये बुनियाद नहीं हो सकती कि सिर्फ बहन जी ने फ़ोन किया और उन्हें उठाने और गठबंधन को तोड़ दिया जाए। चूँकि गठबंधन को बनाने में बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज की गई थी, बहुत लोग बीच में इन्वॉल्व हुए थे और ये हमारे उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर से ज़्यादातर लोगों के जनता के एक मन मुताबिक ये गठबंधन हुआ था। बहुत लोगों की ख्वाहिश थी कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी और बहुजन समाज का गठबंधन होना चाहिए। बहुत कोशिशें हुई, लोगों की इच्छाएं थी ये गठबंधन होना चाहिए, लेकिन अचानक गठबंधन तोड़ना सिर्फ ये बुनियाद नहीं, इसके पीछे ज़रूर और कोई वजह हो सकती है। और मैं आपसे एक और बता दूं, जिस मीटिंग में ये बहन जी ने ऐलान किया उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के चुने हुए एमपीज, जो उस वक्त एमएलएज, राज्यसभा के मेंबर्स और पदाधिकारी गण, वो सब मौजूद थे। तकरीबन उनकी तादाद 400 और 500 के बीच में थी। अचानक बहन जी ने डाइस पर आई और ऐलान किया कि आज से हम अपना समाजवादी और बहुजन समाज का गठबंधन को ख़त्म कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद जितने लोग थे सब एक शौक लगा और खामोश हो गए, पिन ड्रॉप साइलेंस उस वक्त हुआ। अच्छा। हाँ, चूँकि इच्छाओं के अनुरूप ये गठबंधन नहीं तोड़ा जा रहा था। इच्छाएं थी लोगों की, ख्वाहिशें थी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। इससे अच्छा बड़ा प्लेटफार्म आम आदमी को, जो गरीब था, किसान था, परेशान था, दलित था, पिछड़ा था और कुचला हुआ था, दबा कुचला समाज था, वो सब की मंशा थी कि ये गठबंधन मजबूत होना चाहिए, चूँकि नेचुरल अलायंस था। अब ये इसकी ख़ास बात क्या हो सकती है गठबंधन तोड़ने की, वो बहन जी बता सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने जवाब पेश किया कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया अखिलेश जी ने, वो गले से नहीं उतर रही है। आपको क्या लगता है, 5 साल तो आप भी रहे हैं उसमें ही, क्या लगता है कि आप क्या वजह मानते हैं इसकी, कुछ लगता है आपको भी कुछ? हाँ, मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान की मजबूत ताकतें इस गठबंधन को पसंद नहीं कर रही थी। उनकी बका इसी में थी कि इस गठबंधन को टूटना चाहिए और वो जो बड़े हैसियत के लोग हैं इस गठबंधन को तोड़वाने में कामयाब। चलिए हाजी जी, ये तो रही थी बसपा वाली बात। एक वक्फ का मामला जोर शोर पकड़ रहा है, आज भी हमने देखा जामा मस्जिद पे भी स्कैन करा रहे हैं विरोध करने के लिए। जमीयत ने भी कहा कि खुलकर इसका विरोध होना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड से मुतालिक जो बिल लाया गया था, जिसको अभी JPC में भेज दिया गया,
वो न सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है, बल्कि जो सेकुलर जहन के लोग हैं, जो इस बात को पसंद करते हैं कि जमहूरियत में ही सबकी बका है, सबको अपने अपने तरीके से जीने का हक़ है, अपने मज़हब को मानने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत करने के लिए, अपने कल्चर को हिफाजत करने के लिए, वो सब इसी के हक़ में है कि ये बिल वापस होना चाहिए। चूँकि इस बिल के लिए सरकार की मंशा सही नहीं है, वो एक तरीके से जो मुसलमानों के आबो अजदाद इस नियत से दिए गए हैं अपनी ज़मीन है कि इसके ज़रिए लोगों की को फैज़ पहुँचे, आम लोगों को फैज़ पहुँचे, उससे फ़ायदा हो, उन लोगों का जो जायदाद वगैरह दे गए उनका मकसद ही किल हो जाएगा। चूँकि इस पर अल्टीमेटली सरकारें अपने अपने तरीके से काबिज़ हो जाएंगी और अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक इनका इस्तेमाल होगा। और मेरी मांग है कि इस बिल को बिल्कुल वापस ही लेना चाहिए और इसकी हम सब लोग पुरजोर मजम्मत भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये थे पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो गठबंधन बसपा का और सपा का हुआ था उसकी क्या वजह रही है, क्या कारण रहे हैं, उस पर इन्होंने खुलकर अपना स्टेटमेंट जो है वो दिया है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब गठबंधन टूटने तोड़ने का ऐलान जब मायावती की तरफ से किया गया था तो उस बैठक के अंदर जितने भी सांसद और विधायक मौजूद थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी हैरान हो गए थे। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।